दिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم। जनाब अलीम बेग ने डोंगरपुर राजस्थान से मालूम किया है, क्या रोज़े की हालत में पानी गर्म करके उस पानी का भाप ले सकते हैं? तबीयत बिगड़ने की वजह से भाप लेना ज़रूरी है? तो इसका जवाब उन्हें जलवे नूर चैनल की जानिब से दिया जा रहा है कि वलमाए किराम की ये राय है कि भाप लेने की वजह से पानी बुखारात में तब्दील होकर नाक के रास्ते से पेट के अंदर चला जाता है। इस वजह से रोज़ा की हालत में रोज़ादार को भाप लेने की शरअन इजाज़त नहीं, क्योंकि इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। भाप लेने की अशद ज़रूरत हो तो सहरी के वक्त या इफ्तार के बाद सहरी तक किसी वक्त ले सकते हैं। वल्लाहु ताला व रसूलहु आलम। मसाइल शरीयत और सवाल जवाब का यह सिलसिला जलवे नूर चैनल पर कायम है। अगर किसी को नमाज, रोज़ा, पाकी नापाकी और गुस्ल और दीगर मसाइल के ताल्लुक से कुछ मालूमात करनी है तो जलवे नूर चैनल के कमेंट में आए और अपनी बात लिखें, और लिखने के साथ अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें ताकि जवाब देने में आसानी रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।